जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RRB ALP एग्जाम सिटी एंड एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपका अभी तक भी शो नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे आपको इसमें जानकारी शो होगी और कब तक होगी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ये जानकारी जानने के बाद भी गाइज, अगर आप आपकी एग्जाम सिटी या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है, ये आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले आपको ये जान लेना है कि कैसे और किस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए या फिर किस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए या फिर जो डिटेल है मेन, जो कि आपकी आई थिंक अभी तक समझ में नहीं आई है, वो आपको यहां पर दी जाएगी और फिर आप यहां पर आपकी एग्जाम सिटी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर इसके बारे में जब तक फॉर्म ये जो आपका एग्जाम का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको सभी अपडेट दिए जाएंगे सभी प्रॉब्लम के हल के सहित। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज जो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी जानने को मिलेगी और आप सब जानते हैं कि इसमें आपकी 18,799 वैकेंसी निकाली है, पहले आपकी 5,696 वैकेंसी आई थी। तो बेसिकली आपकी एग्जाम सिटी जारी हुई है और मैं यहां पर अब बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो अभी तक भी अपनी एग्जाम सिटी नहीं देख पा रहे, यानी कि उनके सामने उनकी एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही है, कुछ भी यहां पर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपके यहां पर सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आ रही है तो उसका एक रीजन सबसे बड़ा यह है कि जब इसकी एग्जाम डेट आई थी तो एग्जाम डेट आने पर आपको यहां पर बोला था कि आपके एग्जाम 25, 26, 27, 28, 29 नवंबर 2024 को होंगे। तो जिनकी एग्जाम डेट 25 नवंबर है उनकी एग्जाम सिटी 15 नवंबर में आ गई थी और जिनकी एग्जाम डेट 26 नवंबर है उनकी 16 में और जिनकी 27 उनकी 17 में, जिनकी 28 उनकी 18 में और जिनकी 29 नवंबर है उनकी 29 में। अब उन्हें नहीं पता कि उनकी कौन सी एग्जाम डेट है, क्योंकि अगर उन्हें मैसेज आया होगा तो ही पता चला होगा। तो इसलिए जब आप यहां पर जहां से एग्जाम सिटी चेक हो रही है, जब आप यहां पर लॉगिन करते तो यहां पर आता है कि अभी आपकी एग्जाम सिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके सामने ये आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी तक जो आपकी एग्जाम डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम सिटी अवेलेबल नहीं हुई है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो मे बी 28 नवंबर में हो या फिर 29 नवंबर में हो। हां, अगर आपको यहां पर आज की डेट यानी कि 19 नवंबर में भी आपकी एग्जाम सिटी शो नहीं होती है तो फिर आपकी चिंता करने का विषय है, क्योंकि 19 नवंबर ही आपकी लास्ट डेट है आपकी एग्जाम सिटी चेक करने की। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनकी एग्जाम डेट 29 नवंबर 2024 जो कि लास्ट डेट है एग्जाम की, तो उनकी जो एग्जाम सिटी है वो 19 नवंबर को अवेलेबल हो जानी है। तो आज 19 नवंबर है, इसका मतलब है कि सभी जो कैंडिडेट है उनकी एग्जाम सिटी आज अवेलेबल हो जाएगी या फिर हो चुकी है ऑलरेडी। अगर अभी भी नहीं शो हो रही है तो प्रॉब्लम है। और अभी यहां पर एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा, यानी कि नंबर नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपको यहां पर इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डाल दिया कि जहां से आपने अप्लाई किया था आरआरबी अप्लाई की वेबसाइट पर, यहां पर जाइए और लॉगिन कीजिए, जो कि ये वाली वेबसाइट है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर का इस्तेमाल करके, आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था उस वक्त, फिर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर आएंगे और अब मैं यहां पर देख सकता हूं असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी और प्रोविजनली एक्सेप्टेड है और यहां पर राशन नंबर भी दिया है। अब गाइज अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहां पर आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाई दे रहा है, कोई अन्य स्टेटस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, तो फिर गाइज आपकी एग्जाम सिटी आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, क्योंकि फिर कोई रीजन बच ही नहीं जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपकी एग्जाम सिटी या आपका एडमिट कार्ड इशू न हो। तो अगर आपको अभी तक भी आपकी एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है आपकी टैब के अंदर, तो गाइज आपको इस वेबसाइट के ऊपर आकर के, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहां पर आपका फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो 100% आपकी एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो आएगी और एग्जाम सिटी भी चेक होगी। अगर इसके बावजूद भी ना हो रही हो तो फिर गाइज यहां पर जहां से आप लॉग इन करते हैं यहां पर आपको इन्होंने जो हेल्प डेस्क टाइमिंग है वो दी है, तो आप यहां पर हेल्प डेस्क का इस्तेमाल ले सकते हैं। और हेल्प डेस्क के लिए आपको कहां पर जाना होगा, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आना होगा जहां से आप आपका राशन नंबर चेक करें। मैं यहां से एक बार इसको
लॉग आउट करके दिखाता हूँ। हमने लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है और यहाँ पर ईमेल भी दी है। तो आप इस ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए और बताइए कि मेरा फॉर्म भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, बट उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आप में जो अपनी एग्जाम सिटी है या फिर जो मेरा एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एकमात्र यही ऑप्शन है गाइज, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अगर आप प्रोविजनली एक्सेप्टेड फॉर्म होने के बाद भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं, अब अगर आपका सही से वर्क कर रहा है तो आप यहाँ पर इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखेंगे। आपको हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी यहीं पर मिलेगा, यहाँ से भी आप आपकी जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आपकी जो एग्जाम सिटी है वो नहीं देख पा रहे या फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप के सेक्शन में आप आएंगे तो प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली जो आपकी एग्जाम सिटी की स्लिप है वो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद में इस तरह से आपके सामने आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप है जो कि एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड आपको अलग से डाउनलोड करना होगा आपकी एग्जाम डेट के 4 दिन पहले। मैं एक बार फिर से एग्जाम डेट पर लेकर के चलता हूँ। मान लीजिए आपकी एग्जाम डेट 25 नवंबर है तो 21 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। जिनकी 26 है उनका 22 से, जिनकी 27 है उनका 23 से, और जिनकी 28 है उनका 24 से, और जिनकी 29 है उनका 25 नवंबर से। तो यानी कि 4 दिन पहले से ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी तो सिर्फ ये है कि आपके एग्जाम सिटी आपको चेक करनी है, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर देखने को मिलेगी। जबकि इस सिटी इंटीमेशन स्लिप के अंदर भी आपको रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, एग्जाम स्टार्ट टाइम, ये सब इन्फॉर्मेशन दी है, पर फिर भी ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड आपका जो आपको अलग से डाउनलोड करना होगा, ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। आप इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, ये ध्यान दे सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के दिन, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, अगर उसमें कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक्सप्लेन कर दी है ऑफिशियल वे में जो कि यहाँ पर आपको देनी थी मुझे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया है, आपको नहीं समझ में आया कि यार मेरी जो फॉर्म है वो भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, उसके बाद भी मैं अपनी एग्जाम सिटी अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि आप हेल्प डेस्क के ऊपर जाकर के यहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं और जो इनका एक ऑफिशियल आंसर आएगा वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्वेरी रेज जो कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी आपको दी गई है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस ई कॉल लेटर रिलेटेड, तो जो भी है वो आप यहाँ से आपकी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अब अगर आप मेरे द्वारा चेक और डाउनलोड करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसके लिए गाइज सबसे आप लास्ट में आएंगे, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको ओपन करके और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी, फिर आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आप यहाँ पर राशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही आप लिखेंगे RRB ALP एडमिट कार्ड 2024 एंड देन सबमिट कर देंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितना का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो ये थी गाइज पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।